आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज सीखेंगे 3D ड्राइंग बनाना, 3D आइसक्रीम बनाना। दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं एक नया ड्राइंग, 3D ड्राइंग बनाना। सबसे पहले हम लोग पेंसिल से आइसक्रीम बनाएंगे, जो भी ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग। आइसक्रीम बनाने के बाद उसको स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे दोस्तों। आउटलाइन करने के बाद फिर पेंसिल कलर, अगर आपके पास पेंसिल कलर नहीं है तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने पेंसिल कलर यूज किया है, पेंसिल कलर का कोई भी कलर आप लोग कर सकते हैं। मैंने आइसक्रीम के लिए पिंक कलर यूज किया और ऊपर में जो चेरी है उसके लिए मैंने रेड कलर यूज किया है। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अगर आपको पिंक कलर का आइसक्रीम अच्छा लगता है तो पिंक कर सकते हैं, अगर आप रेड कलर का आइसक्रीम अच्छा लगता है तो रेड भी कर सकते हैं। आपको अगर चॉकलेट कलर का आइसक्रीम अच्छा लगता है दोस्तों तो चॉकलेट कलर का भी कलर कर सकते हैं। और नीचे का जो कोन है आप कोन को भी अलग अलग तरीके से कलर कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है दोस्तों। ऑरेंज कलर के अलावा भी आप लोग कोई भी कलर कर सकते हैं। देखिए कैसे मैंने कलर कर रहा हूँ ऑरेंज कलर, और किनारे बहुत सारे कलर का मैंने यूज किया है। ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, येलो ऑकर मैंने यूज किया है, थोड़ा सा ब्राउन भी मैंने यूज किया है। आप चाहे तो और भी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कलर यूज करेंगे तो उसी का सपोर्टिव कलर लेंगे दोस्तों। अगर ऑरेंज कर रहे हैं तो ऑरेंज के साथ रेड और ब्राउन यूज करेंगे, अगर येलो कलर करेंगे तो उसके साथ ऑरेंज और रेड यूज करेंगे दोस्तों। मैंने ऑरेंज कलर लिया है, उसके साथ में उसका सपोर्टिव कलर येलो ऑकर और ब्राउन कलर डार्क के लिए, 3D इफेक्ट देने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा कलर ट्रीटमेंट और कलर साथ में शैडो भी देना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन के वजह से ही हमारा ड्राइंग 3D लगने लगता है। किनारे से थोड़ा सा, साइड से थोड़ा सा डार्क कलर देने से वो थोड़ा राउंड वाली फीलिंग आती है दोस्तों, इसलिए हम लोग वो देते हैं। और साथ में शैडो से ही हम लोग का जो ड्राइंग है वो 3D लगेगा दोस्तों, इसलिए शैडो एकदम सही जगह पे, सटीक जगह पे होनी चाहिए। और उसके बाद उसको सही जगह से कट करेंगे ताकि वो 3D इफेक्ट दिखने लगे। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, लग रहा है कि आइसक्रीम रखी हुई है पेज के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।